छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाए बर झन भूला हूं। नमस्कार, मैं काजल सोनबेर और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। रायसेन लॉकडाउन में मंदी की मार झेल रहे प्राइवेट स्कूल संचालकों का आज सब्र का बांध टूट गया। प्राइवेट स्कूलों को गरीबी रेखा से नीचे जिन बच्चों को वो पढ़ाते थे उनकी फीस आज तक शासन द्वारा इन स्कूल संचालकों को नहीं दी गई है। उससे मजबूर होकर रायसेन जिले के समस्त प्राइवेट स्कूलों के संचालकों ने रायसेन पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा एवं उन्होंने कहा कि हमारी मांग को जल्द पूरा नहीं किया गया तो अपने हक के लिए आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। सर, हमने प्राइवेट स्कूलों के लिए शासन द्वारा मिलने वाली 25% आरटीई की फीस जो हमें 2016-17 से 2020 तक की अभी तक मिली नहीं है और सरकार हमें विभिन्न स्तरों पर परेशान करती है। आधा सत्यापन हो नहीं रहा है, बच्चे स्कूल छोड़कर जा चुके हैं। ऐसी दशा में हम उन बच्चों का आधा सत्यापन कैसे कराएं, आप बताएं। कलेक्टर साहब ने अभी तो आश्वासन दिया है कि हम दिखवाते हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। इसके बाद अगर नहीं कुछ होता है तो क्या करेंगे आप? इसके आगे अगर नहीं होता है सर, हम बृहद स्तर पर अपने समस्त स्कूलों को लेकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हमारे हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। तो पूरे जिले के स्कूल बंद कहाँ हैं कि कहाँ से आए? नहीं, हम पूरे राज्य जिले के स्कूल हैं।